हेलो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नई भर्ती सूचना सहायक भर्ती की घोषणा की जा चुकी है, जिसकी अधिसूचना इसी सप्ताह में होने की संभावना है। ये दोस्तों, यह भर्ती 2734 पदों पर अधिसूचित की जाने वाली है। तो दोस्तों, देखते हैं इस भर्ती के बारे में कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या मंजूरी दी गई है। तो देखते हैं दोस्तों, यह सूचना सहायक भर्ती 2023 के ऑनलाइन फॉर्म की तारीख सूचना सहायक 2734 पदों पर भर्ती की जाएगी। वित्त विभाग ने सूचना सहायक के लिए 2734 पदों पर भर्ती के लिए 25 अप्रैल 2022 को मंजूरी दे दी है। और इस अभ्यर्थी में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को सौंप दी गई है, और यह कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विशेष विज्ञप्ति जारी की जाएगी। यह सूचना सहायक के पदों पर भर्ती 2018 में आयोजित की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 2018 में। और इस भर्ती की अगले सप्ताह तक अधिसूचना जारी होने वाली है। तो दोस्तों, और इस भर्ती के लिए कौन कौन से योग्यता, आवेदन शुल्क, पाठ्य सीमा, आयु, कौन कौन सी आयु के क्रम के और कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों नीचे। यह दोस्तों सूचना सहायक भर्ती 2023 है। इसके लिए क्या योग्यता है और क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। यह इस भर्ती को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा। इसकी पोस्टों के नाम है सूचना सहायक। सूचना सहायक इसकी पोस्टों का नाम है दोस्तों, और कुल रिक्त पद हैं 2734 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। इसके बाद में आगे देखते हैं कि आवेदन कैसे होंगे और कैसे भर्ती की प्रक्रिया होगी दोस्तों। तो यह आवेदन ऑनलाइन होंगे। फॉर्म जनवरी 2023 से भरे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि बहुत ही जल्दी जारी होने वाली है। नौकरी राजस्थान में दी जाएगी। और इसके चयन की प्रक्रिया दो दो टेस्टों में की जाएगी। पहला एक टेस्ट होगा जो लिखित परीक्षा होगी, दूसरा है टाइपिंग टेस्ट, मतलब कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट है। इसमें और अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नवीनतम क्या जानकारी है, तो देखते हैं हम। यह है देखो आज की खबर, 5 माह पहले 2734 सूचना सहायक भर्ती की मंजूरी। इसके बाद आईटी विभाग ने बोर्ड को नहीं भेजी थी अभ्यर्थना, लेकिन अब यह अभ्यर्थना भेज दी जा चुकी है और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा परीक्षा करवाई जाने वाली है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी आयु सीमा है। तो इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष है। और विज्ञापन को सरकारी नियम के अनुसार अधिकतम आयु सीमा की छूट मिलेगी। इसके बाद में हम देखते हैं कि आवेदन में कितने शुल्क लगेंगे। तो दोस्तों, सामान्य और क्रीमी लेयर पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये, गैर क्रीमी लेयर अधिक पिछड़ेपन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तर्क के लिए 350 रुपये, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 250 रुपये, और ऐसे परिवार जो वार्षिक आय 2,50,000 से कम है वो ग्रामीण जनजातियों के लिए 250 रुपये दिए होंगे। तो यह है फॉर्म की भरने की शुल्क। इसके बाद में हम देखते हैं कि कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए कंप्यूटर आधारित मतलब कि RCIT कोर्स होना अनिवार्य है, और कंप्यूटर साइंस प्रौद्योगिकी की डिप्लोमा 1 डिग्री, इसमें से ये 1 डिग्री का होना अनिवार्य है। और उम्मीदवारों को हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान, टाइपिंग के लिए 20 शब्द प्रति मिनट है, और राजस्थान देवनागरी संस्कृत में दी गई हिंदी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। तो मतलब कि इसमें कंप्यूटर कोर्स का होना अनिवार्य है। इसके बाद में है कि कैसे फॉर्म भरे। तो आपको कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, और यह जब आप इसको खोलोगे तो यह एसोसो आईडी के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा भर्ती पोर्टल पर। इसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालनी है, और इसमें 100 अंकों का
3 घंटों का पेपर होगा। तो दोस्तों यह है पेपर फर्स्ट जो लिखित परीक्षा पर आधारित हैं, और दूसरा है टाइपिंग टेस्ट जो कि हिंदी का तो है 15 मिनट का और अंग्रेजी का है 15 मिनट का। तो इस प्रकार यह है इसकी चयन प्रक्रिया। इसमें मेरिट सूची कंप्यूटर जी के तथा 3 घंटों का पेपर होगा दोस्तों। इसमें दूसरा टाइपिंग टेस्ट भी होगा तो 15 मिनट में हिंदी का और 15 मिनट अंग्रेजी का होगा। इस प्रकार से यह भर्ती को लिए आवेदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ होने वाली है। तो दोस्तों इसको आप भर्ती में पूरा फॉर्म भर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों। नाम नंबर 5 देखो कितने फोन मिल गए नाम से है।